गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम लोगों ने यानी कि जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश अकाउंट से ये कैसे डिफरेंट है, दूसरा कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, क्यों हम उसे बनाते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे उसी में आगे हम लोग समझेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैश इक्विवेलेंट हम लोग बाद में समझेंगे। कैश आप ये समझते ही हैं जो कि देखा जाए तो मनी फॉर्म में हो, वो एक हमारा क्या है, कैश है, जिसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे पास कैश इन हैंड या कैश इन बैंक, कैश एट बैंक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैश। ठीक है, ये चीज़ कैश में आ जाएगी। अच्छा, कैश इक्विवेलेंट क्या है? तो कैश इक्विवेलेंट नाम से ही साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ऐसी चीज़ जो कि कैश के बराबर हो। कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश के बराबर हो। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कैश के बराबर, तो क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कैश के बराबर होंगी, ये समझ लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट आप क्या करोगे, तुरंत आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये कि ऐसी चीज़ जो कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाए, कैश के बराबर है, कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए कैश है तो कैश इन हैंड तो हमारा कैश ही हो गया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम तुरंत बेच करके, तुरंत बेच करके उससे हम कैश निकाल लें, यानी कि कैश हमें मिल जाए, वो हो गया हमारा कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया शॉर्ट टर्म 3 महीने का 4 महीने का, उसको हम इन्वेस्टमेंट को बेच करके तुरंत हम उससे पैसा ले सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो हम शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वो तुरंत आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो तुरंत आपका पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। शेयर्स जो हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इनमें अगर आपने इन्वेस्ट किया तो ये इन्वेस्टमेंट आपका कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने किया हुआ है तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ में आपने पैसा खर्च कर दिया, वो सिक्योरिटी आप जब भी मार्केट में बेचोगे तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी चीज़ हमारी क्या कहलाती है, कैश इक्विवेलेंट कहलाती है। बाकी आप ये पूरा पढ़िएगा तो इसमें आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी, यही जो मैंने आप लोगों को लगभग लगभग बताया। अब कैश फ्लो क्या होता है, तो ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि कैश फ्लो क्या होता है। तो कैश फ्लो जो होता है उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कितना पैसा हमारे यहाँ इनफ्लो हुआ और कितना पैसा हमारे यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, यही हो गया हमारा क्या, कैश फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट। कैश मैनेजमेंट क्या है, कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश। कैश मैनेजमेंट का मतलब ये कि एक्सेस कैश आपने क्या किया, कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट कर दिया, उसी को हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट। ठीक है, अब कैश इन्वेस्ट, कैश इक्विवेलेंट में आपने जब पैसा एक्सेस मनी लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है, कैश इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली कैश ही है एक तरीके का, क्योंकि उसको आप बेच करके क्या कर लोगे, अभी मैंने समझाया, तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश मैनेजमेंट बोलते हैं। हेंस परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच कंस्टिट्यूट्स कैश इक्विवेलेंट इज नॉट कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जब हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हम लोग परचेज करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम परचेज करते हैं, ठीक है, उसको विच कंस्टिट्यूट्स जो कि मिला जुला करके पूरा कैश इक्विवेलेंट बना देता है, उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर अब है हमारे पास कैश क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए अब हम किस, कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको किन किन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था, वो चीज़ है इसमें। कौन कौन सी 3 चीज़ें मैंने बताया था, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है हमारा कैश फ्लो, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, दूसरा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और तीसरा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यही 3 एक्टिविटीज़ अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो वन बाय वन देखते हैं ज़रा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है क्या। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इसमें क्या है,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी और मेन एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको और थोड़ा सा आइडिया लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ कंपनी मैनुफैक्चरिंग गारमेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रेंस ऑफ मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल ऑफ गारमेंट्स एक्सेट्रा। बस आपको यहीं से काफ़ी कुछ चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अच्छा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है क्या? ऑपरेशन विच इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशन, ऑपरेशन से जो संबंधित है उसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलेंगे, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट की कोई कंपनी या कोई भी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें आपको रॉ मटेरियल लेकर के आना पड़ेगा, उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देने पड़ेंगे, गारमेंट्स का सेल करना पड़ेगा, यही सब तो काम आप करोगे। ऑपरेटिंग का मतलब ये कि आप उसमें काम क्या करोगे, यही सारे तो काम करोगे। तो ये सारे जो आप काम कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी किस में आ जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ये सारा हम जब रिकॉर्ड बनाते हैं, इन सभी चीज़ों का हम जब रिकॉर्ड बनाते हैं, तो वो किसके अंडर में बनता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है, ठीक है। मेन चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ ही गया, ये बेसिक चीज़। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, ये भी समझा है। दे जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स दैट एंटर इन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर, अच्छा ये इनसे जब भी आप क्या करोगे, लोगे, जब ये एक्टिविटीज़ आप बनाते हो, तो इससे आपको ये पता, क्या चीज़ पता चलती है लास्ट में, ये समझ लेते हैं। जब भी जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको लास्ट में क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो आपको क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इसी तरीके से जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड करेंगे उसमें कि कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो हुआ मनी का और कितना ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो हुआ मनी का, तो जब आप उस रिकॉर्ड को बनाएंगे तो लास्ट में आपको पता है उसमें क्या पता चलेगा, उसमें आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ और नेट लॉस कितना हुआ, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ये ज़रा हम लोग देख लेते हैं। एक तो है कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कहाँ कहाँ से पैसा आता है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आप पहली चीज़ कि आप माल बेचोगे, जो आपने माल बनाया है उस गुड्स को जब आप बेचोगे तो या फिर सर्विसेज दोगे, तो वही उसी से जो पैसा आता है वो हमारे कैश रिसिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो वो इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज़, फीस, कमीशंस एंड अदर रेवेन्यूज, यानी कि इनसे जो पैसा मिला हुआ है, किससे किससे, रॉयल्टी से मिला, फीस से मिला, कमीशन से, रेवेन्यू से, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स आपने 11th में पढ़ रखे हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये टर्म्स, रॉयल्टीज़, फीस वगैरह, कमीशन, ये आप 11th वाली बुक उठा के देखना, इनसे जो पैसा मिलेगा वो भी हमारा कैश इनफ्लो में आ जाएगा। अब कैश आउटफ्लो में देख लेते हैं कि क्या होता है। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पैसा हमारे पास से गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ 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 हमारा पैसा लगा हुआ है। तो कैश पेमेंट टू सप्लायर, जब आप माल, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदोगे, गुड्स या सर्विसेज वगैरह जब खरीदोगे सप्लायर से, तो उनको रॉ मटेरियल पे करोगे, तो ये हो जाएगा कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर या एम्प्लॉयज़ को क्या करना, कैश पेमेंट कर देना। कैश पेमेंट टू इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस को प्रीमियम देना या फिर क्लेम्स, एन्यूटीज़ और अदर पॉलिसी बेनिफिट्स वगैरह कुछ ऐसा आपने इंश्योरेंस वालों को पेमेंट किया, वो भी आ जाएगा। कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस, इनकम टैक्स का जो आप कैश पेमेंट कर रहे हो वो आ जाएगा। दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अनलेस, जब तक कि ये ना बताया गया हो कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, तब तक आप उसे क्या ट्रीट करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट समझोगे। द नेट पोजिशन इज़ शोन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फिर आपको नेट पोजिशन मिल जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। एन एंटरप्राइज में होल्ड सिक्योरिटीज़ एंड लोन्स फॉर डीलिंग और फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि एंटरप्राइजेज होती हैं, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती हैं या लोन लेती हैं
किस लिए? ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। इन ईदर केस देयर दे रिप्रेजेंट इन्वेंट्री स्पेसिफिकली हेल्ड फॉर रीसेल, तो देयर फॉर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ डीलिंग ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी कि ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ वगैरह का भी आप परचेज और सेल कर रहे हो तो वो भी आपका वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही ट्रेड किया जाएगा। सिमिलरली कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाई फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सिंस दे रिलेट टू मेन एक्टिविटी ऑफ दैट एंटरप्राइज। इसी तरीके से क्या होगा कि कैश एडवांस आपने दिया या फिर कैश एडवांस आपने लोन लिया मेड बाई फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज यू आर यूजुअली क्लासीफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसको भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही समझेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आई क्या कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, कि क्या क्या चीज़ इनफ्लो होगी, क्या इनफ्लो में क्या होता है, आउटफ्लो में क्या होता है, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो जिससे पैसा बिजनेस में आता है वो कैश फ्लो कैश इनफ्लो हो जाता है, और जिससे पैसा बिजनेस से बाहर निकल जाता है यानी कि आप बाहर बेच देते हो, बाहर निकाल देते हो पैसा, आप बिजनेस ऐसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप पेमेंट कर करके पैसा आप अपने बिजनेस से निकाल रहे हैं बाहर, उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये पूरा हमें समझ आ गया कि ये क्या था। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये अभी हम लोग नहीं समझेंगे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो आपको समझना है आप वो जितना मैंने आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझाया है वो समझिए कि उसका इनफ्लो क्या है, उसका आउटफ्लो क्या है। अगर आपको कोई आपके पास पुरानी बुक रखी हुई है या आपने नई खरीद ली है, अब तक शायद आपने मार्केट से खरीद भी ली होगी, और नई खरीदी है तो पुरानी रखी होगी, तो उसमें आपको पूरा फॉर्मेट दिया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, तो वो फॉर्मेट आप क्या कीजिए, लर्न कर लीजिए कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो कैश फ्लो का हमारा एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये क्या क्या चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करेंगे, फिर तीनों को मर्ज कर देंगे तो हमारा कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।